हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि SBI क्लर्क एग्ज़ाम के लिए और SBI PO और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है SBI क्लर्क एग्ज़ाम 30 जून के लिए और दूसरे सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखें और एंड तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो क्लास को देखते हैं। ये ऑफ़र्स अभी चल रहे हैं हमारे ई कोर्सेज पर, ₹1,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन सारे ऑफ़र्स को लेने के लिए आपको 30 जून से पहले हमारे ई कोर्सेज ज्वाइन करने होंगे। और इसको ज्वाइन करने के लिए इसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए हैं और यहाँ पर मेरे कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, तो इनके थ्रू इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इस बार SBI क्लर्क में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। ठीक है, रमेश डिड नॉट केयर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सारे क्वेश्चंस को पार्ट बाई पार्ट आपको एनालाइज करना होता है। तो रमेश डिड नॉट केयर, यहाँ तक ये क्वेश्चन सही है। इसके बाद पढ़ते हैं अबाउट द जीन्स, हिज सन, यहाँ तक भी सही है। चोज यानी चूज की सेकेंड फॉर्म है ये, मतलब रमेश को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि उसके सन ने कौन सा जीन्स सेलेक्ट किया था, एंड ही पेड फॉर इट एनी वे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स में भी और SSC एग्जाम्स में भी। देखिए, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। इसमें वर्ड का जो वर्ड यूज़ किया है वो गलत वर्ड यूज़ किया है। जैसे यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि रमेश डिड नॉट केयर अबाउट द जीन्स हिज सन चोज, मतलब रमेश को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके सन ने कौन सा जीन्स सेलेक्ट किया। और यहाँ पर क्या लिखा है, ही पेड फॉर इट एनी वे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसके लिए पे किया। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस है और यहाँ पर जो सेंटेंस है, बोथ दी सेंटेंसेस आर कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है, कंसिस्टेंट सेंटेंस नहीं है ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके स्थान पर हम बट का प्रयोग करेंगे, या इसके स्थान पर हम कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। हाउएवर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं और बट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये वर्ड इसमें गलत है। ठीक है, तो डी इसमें आपका इसमें सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है और डायरेक्टली ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। द लोकल इलेक्शंस वर मार्ड बाय न्यूमरस इंसिडेंट ऑफ रिगिंग बाय पार्टी वर्कर्स। लोकल जो इलेक्शंस थे वो देवर मार्ड, मतलब देवर स्टॉप्ड और देवर डिस्ट्रॉयड आप कह सकते हैं, और देवर डिस्करेज्ड। ठीक है, तो ये एक अच्छा वर्ड है। द लोकल इलेक्शंस वर मार्ड बाय न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ रिगिंग बाय पार्टी वर्कर्स। रिगिंग क्या होता है? रिगिंग होती है हेरा फेरी को हम रिगिंग बोलते हैं। ठीक है, पार्टी वर्कर्स यहाँ पर सही है, न्यूमरस इंसिडेंट्स यहाँ पर सही है, मार्ड यहाँ पर सही है क्योंकि वर्क के साथ थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं यहाँ पर। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ई, यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। राहुल हैड नो अदर एम एल्स देन टू गेन एंट्री इनटू वन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज। तो वन ऑफ द के बाद हम कंपनीज लगाते हैं, मतलब प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर अदर के बाद हम क्या लगाते हैं? नो अदर के बाद हम केबल और केबल देन लगा सकते हैं, एल्स हम नहीं लगाते। ठीक है, इसलिए इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। 13 persons वर किल्ड ऑफ पुलिस फायरिंग ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांट। ये किस तरीके का क्वेश्चन है? ये है आपका प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन से रिलेटेड इसमें गलती है। 13 persons वर किल्ड, 13 persons मारे गए, लेकिन किस चीज में मारे गए? वो पुलिस फायरिंग में मारे गए। ठीक है, तो 13 persons वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग, यहाँ पर हम बोलेंगे इन पुलिस फायरिंग, ऑफ हम नहीं बोलेंगे, और यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखते हैं। एट प्रेजेंट द कंपनी इज वेटिंग फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द कोर्ट
एंड द गवर्नमेंट फॉर रीस्टार्ट द प्लांट विच वॉज क्लोज फॉर एनुअल मेंटेनेंस। काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है और इसको फिर से पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट द कंपनी इज वेटिंग फॉर द क्लियरेंस फ्रॉम द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट, मतलब कंपनी जो है वो वेट कर रही है किस चीज़ के लिए, क्लियरेंस। क्लियरेंस किससे मिलेगा, कोर्ट से, और गवर्नमेंट का वेट कर रही है कि गवर्नमेंट रीस्टार्ट करे प्लांट को जिसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, वेटिंग फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट टू रीस्टार्ट। गवर्नमेंट के बाद यहाँ पर हम टू रीस्टार्ट बोलेंगे या फॉर रीस्टार्टिंग भी बोल सकते हैं। फॉर चूंकि एक प्रपोजिशन है तो इसलिए इसके बाद हम आईजी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन जो सही होगा वो होगा टू रीस्टार्ट यहाँ पर। ठीक है, और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये हैं आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एसबीआई क्लर्क में और एसबीआई पीओ और आरआरबी में पूछे जाएंगे। देखते हैं इन क्वेश्चंस को। स्टार्टिंग आउट माय ओन बिजनेस एट दिस टाइम वुड अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ माय फैमिली। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्टार्टिंग आउट एक्चुअली जर्नी के लिए इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग आउट दूसरे सेंसेस में इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग अप ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं उसके ऑप्शंस। जैसे स्टार्टअप आपने सुना होगा, स्टार्टअप बिजनेस जो होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप। तो इसलिए स्टार्टिंग अप कहना यहाँ पर ज़्यादा सही होगा और यहाँ पर आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूज़ अ टैक्टिक फॉर मिक्सिंग द इन्फीरियर विद गुड क्वालिटी राइस इज डिश ऑनेस्ट एंड यू विल लूज योर लाइसेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि गुड क्वालिटी को बैड क्वालिटी के साथ मिक्स करना, गुड क्वालिटी राइस को बैड क्वालिटी राइस के साथ मिक्स करना डिसऑनेस्ट है और इससे आपका लाइसेंस जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर हम किस एक एक्शन की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि ऐसा करना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जेरंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि जेरंड फॉर्म जो होता है वो एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर चूँकि आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो इसलिए यहाँ पर यूजिंग कहना ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे यूजिंग ए टैक्टिक लाइक मतलब एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं, चूँकि यहाँ पर मिक्सिंग आया है और मिक्सिंग भी क्या है, एक जेरंड फॉर्म है, एक नाउन फॉर्म है, तो इसलिए लाइक चूँकि एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो मिक्सिंग भी यहाँ पर लाइक के बाद सही होगा और शुरुआत में भी जेरंड फॉर्म का प्रयोग करना सही होगा। तो यूजिंग अ टैक्टिक लाइक मिक्सिंग द इन्फीरियर विद गुड क्वालिटी राइस इज डिसऑनेस्ट एंड यू विल लूज योर लाइसेंस। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोर्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इन ब्रिटेन। ठीक है, तो चूंकि इसमें हम बात कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हैज़ और हैव वाले जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे और विल बी इन्वेस्टिंग होना चाहिए, ये विल बी इन्वेस्टेड, क्योंकि विल बी इन्वेस्टेड तो पैसिव वॉइस है। विल बी इन्वेस्टेड का मतलब होगा कि कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 600 करोड़ रुपीज़ विल बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, यदि ये कंपनी एंड में आता, यदि ये कंपनी वर्ड एंड में आता तो इसमें विल बी इन्वेस्टेड आप लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें अब लगा हुआ है तो अब से ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, विल फर्दर इन्वेस्ट। ठीक है, विल फर्दर, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसलिए विल फर्दर इन्वेस्ट कहना यहाँ पर सही होगा। और विल इन्वेस्ट मोर 600 करोड़ रुपीज़ से पहले हम मोर नहीं लगा सकते यहाँ पर, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है और इसका रिप्लेसमेंट ज़रूरी है और इसका रिप्लेसमेंट जो होगा वो होगा आपका ए। एक ये क्वेश्चन है, सम ऑफ आर प्रोजेक्ट्स हैव डिलेड बिकॉज द इक्विपमेंट वी ऑर्डर्ड वाज डिलीवर्ड लेट। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कि इक्विपमेंट को हमने ऑर्डर्ड किया और उसका जो डिलीवरी हुई वो लेट हुई। इक्विपमेंट वी ऑर्डर्ड वॉज डिलीवर्ड लेट, यानी ये पास्ट टेंस है
और चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए इसमें हैव का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यानी यहां पर आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो पास्ट के लिए कौन सा वर्ड आएगा इसमें, पास्ट के लिए हैव तो आएगा नहीं, ठीक है, आर भी नहीं आएगा और वर्ब भी नहीं आएगा, वर्ड डिलेट, डिलेट के साथ विद नहीं आएगा एक्चुअली, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सेकेंड, सम ऑफ आर प्रोजेक्ट्स डिलेड बिकॉज द इक्विपमेंट बी ऑर्डर्ड वॉज डिलीवर्ड लेट, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन कहना इसमें एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द कमेटी हैज रूल्ड आउट, रूल्ड आउट मतलब उस चीज को उसने कैंसिल कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। द कमेटी हैज रूल्ड आउट द पॉसिबल रेजिंग टैक्सेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कमेटी हैज रूल्ड आउट, कमेटी ने रूल्ड आउट कर दिया है, कमेटी ने किस चीज को रूल्ड आउट कर दिया है, ठीक है, कमेटी हैज रूल्ड आउट, लेकिन कमेटी ने किस चीज को रूल्ड आउट कर दिया है, इसका मतलब ये है कि रूल्ड आउट के बाद यहां पर आपको नाउन फॉर्म चाहिए और पॉसिबल का जो नाउन फॉर्म है वो है पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी में से कोई एक ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन गलत है। और पॉसिबिलिटी के बाद हम हमेशा टू लगाते हैं, पॉसिबिलिटी टू रेज, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नहीं होगा, पॉसिबिलिटी टू रेज होगा, और इसमें आपका सही आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अ स्ट्रेंजर कट थ्रू विद अनसॉलिसिटेड एडवाइस ऑन हाउ वी कुड फिक्स आवर रिलेशनशिप, एक स्ट्रेंजर आया, एक अजनबी आया और उसने बिना मांगी, अनसॉलिसिटेड मतलब बिना मांगी हुई एडवाइस दी, और एडवाइस किस बारे में दी कि हम अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो जब कोई अनइंटरप्टेड बीच में इंटरफियर करता है तो उसको हम बोलते हैं कट इन, कट थ्रू नहीं बोलते हम, ठीक है, तो कट थ्रू के स्थान पर कट इन कहना सही होगा, और इसी से मिलता जुलता एक फ्रेजल वर्ब होता है बटन, BUTTIN, तो बटन भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन कट इन का ऑप्शन जो है यहाँ पर एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हेलेंस एलिबाय वॉज बोर्न आउट बाय हर सिस्टर, देखिए इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब इस पूरे सेंटेंस का मतलब आपको पता हो। एलिबाय हम बोलते हैं एक एविडेंस को, एक एविडेंस होता है, सपोज यहाँ पर कोई वारदात हुई है, कोई मर्डर हुआ है और एक व्यक्ति प्रूव करना चाहता है कि वो उस दिन यहाँ पर नहीं था, वो किसी दूसरी जगह था, ठीक है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो एविडेंस होता है उसको हम बोलते हैं एलिबाय। और बोर्न आउट चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, वैसे इसको हम बेयर आउट बोलते हैं, BEAROUT, ठीक है, लेकिन बोर्न आउट ये इसलिए आया है क्योंकि वॉस के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही आप लगाएंगे, तो इसलिए बेयर आउट का थर्ड फॉर्म बोर्न आउट आया है, और बेयर आउट का अर्थ होता है कन्फर्म करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कन्फर्म्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एट फर्स्ट लिली सेड शी वुड बी एट द पार्टी, लेटर शी बैक्ड ऑफ, मतलब शुरुआत में तो लिली ने कहा कि वो पार्टी में रहेगी लेकिन बाद में उसने बैक्ड ऑफ कर दिया, तो बैक्ड ऑफ का यहाँ पर क्या मतलब है, बैक्ड ऑफ का मतलब है कि उसने उसको जो इनविटेशन मिला था उसने उसको डिक्लाइन कर दिया, उसने वहाँ पर आने से मना कर दिया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेवल टू पेरू यू वुड बेटर बोन अप ऑन योर स्पेनिश, यदि आप पेरू जा रहे हैं तो अपनी स्पेनिश को आप थोड़ा सा बोन अप कर लें, बोन अप का मतलब एक्चुअली होता है रिव्यू करना, उसको ब्रश अप करना, थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, थोड़े टाइम के लिए देख लेना, तो यहाँ पर लर्न रिवाइज प्रैक्टिस नहीं होंगे, इसका आंसर होगा स्टडी थॉरली फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, एक या दो दिन के लिए अच्छे तरीके से उस चीज़ को पढ़ लेना, जिसको हम ब्रशअप भी बोलते हैं, तो थर्ड यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डेविड्स स्ट्रेंज न्यू हेयर स्टाइल इज रियली कैचिंग ऑन, कैचिंग ऑन का क्या मतलब है, कैचिंग ऑन का मतलब है कि कोई चीज़ जब पॉपुलर होती जाती है तो उसको हम बोलते हैं कैचिंग ऑन, तो बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा।
ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में मैंने करीब 15 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए, और इस तरह के वीडियो क्लासेस में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेजेस में अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर। इसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएँ, तभी आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे टाइम पर। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो क्लास को देखकर इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे ई कोर्सेज में अभी 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, तो उन ई कोर्सेज को बैंक पीओ, बैंक क्लर्क और एसएससी के लिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर, पीसी पर आप चला सकते हैं और इसमें इंग्लिश के साथ आपको करेंट अफेयर्स जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है और सारी ई बुक्स और पीडीएफ भी इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। तो इन कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें और इनका फ़ायदा उठाएं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।